वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मैं रिचा, योर लीगल मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी में जो सेक्शन है हमारे, इसको हम बढ़ाएंगे आगे और हम डील करने वाले हैं आज के इस सेशन में, हम चैप्टर टू से डील करने वाले हैं। तो चैप्टर टू जब आप खोलेंगे, ठीक है, सीआरपीसी के बुक में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। ठीक है, तो जब आप चैप्टर टू जो खोलेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो चैप्टर टू है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस से। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है, इसमें कौन कौन से सेक्शन फॉल करेंगे, तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें सेक्शन आपका जो 6 से लेकर, ठीक है, सेक्शन 6 से लेकर 25A तक अगर आप देखेंगे, तो ये आपका, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस है उसमें ये फॉल करता है। ठीक, तो आज हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इसके सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होगा हमारा सेक्शन 6 होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा सेक्शन 7 होगा, और तीसरा होगा सेक्शन 8। तो ये जो सेक्शंस है आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डील। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 6 है, वो क्या हमें बताता है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल नोट। अगर आप देखेंगे कि किसी भी सेक्शन के आगे की जो हेडिंग होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल नोट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये एक तरीके से आपके लिए बोनस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में बताया गया, मतलब जो कोर्ट्स है उसका क्लासिफिकेशन सेक्शन 6 में किया गया है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं। तो बिसाइड द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, हाई कोर्ट को छोड़ के और जो कोर्ट होते हैं जो कि किसी और लॉ के अंदर अगर बनाए गए हैं, ठीक है, अदर देन दिस कोर्ट, इस कोर्ट को छोड़ के, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, दैट इज नंबर 1 जो है वो कोर्ट्स ऑफ सेशन, इसको हम सेशंस कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ सेशन और सेशंस कोर्ट, ठीक है, सेशंस कोर्ट। ठीक, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तीसरा है ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उसी के साथ है इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका कौन होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अगर कोर्ट है तो किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा। ठीक है, तीसरा बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, और चौथा बात करता है आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसमें कि आपके जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो एसपीज होते हैं, ठीक है, इन सारे इन लोगों की बात की गई है। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं ना, आईएएस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में ही आते हैं। ठीक है, अब आगे हम आप सबके लिए मैं एक ये जो चार्ट है वो तैयार की हूँ, इसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा नीचे तक जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में इस क्रिमिनल कोर्ट्स के हायरार्की को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे पहला, ठीक है, उसके बाद हायरार्की में आपके आएगा हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट आएगा, फिर आता है आपका सेशंस कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट में कौन कौन आते हैं, सेशंस जज आता है, एडिशनल सेशंस जज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइफरकेशन की गई है, सेशंस कोर्ट जो है वहां पे डिवीजन किया गया है जो कि बताता है आपकी असिस्टेंट सेशंस जज, और यहाँ पे बताता है चीफ मेट्रोपॉलिटन और या फिर एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होता है, और यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यहाँ पे डिवीजन जो है वो किया गया है। ठीक है, सेशंस कोर्ट में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 डिविजन्स जो है वो किए गए हैं। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। अगर आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन, जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसका अगर बाइक मतलब आगे चलेंगे तो आपको देखने को उनमें मिलेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, इस कोर्ट्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो होते हैं, और इसके बाद आपको वहीं पे एक और बाइफरकेशन की गई है, उसमें स्पेशल जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको डिवीजन देखने को मिलेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, नीचे आएंगे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
जिसमें कि और भी दो तरीके से डिवीजन किया गया है, जो कि आपको बताता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, जब सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आप देखेंगे तो दो और डिवीजन किए गए हैं, जिसमें बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, पहले केसेस फर्स्ट क्लास के पास जाएंगे, उसके बाद क्या होंगे अगर वो उस जुरिस्डिक्शन में नहीं फॉल करते हैं तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के पास जाएगा। ठीक है, और फिर यहीं पे आपका असिस्टेंट सेशन जज जो है वो भी रहते हैं। तो ये एक तरीके से हायरार्की है जो कि हम क्रिमिनल कोर्ट्स में फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं। ठीक, ये बस एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैंने आपको मतलब यहाँ पे डायग्राम के साथ बता दिया है। ठीक, तो आई होप कि आपको सेक्शन जो 6 है वो पता चल गया होगा कि हमारे इंडिया में किस तरीके से क्रिमिनल कोड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो सेक्शन 6 क्या बता है, क्लासिफिकेशन ऑफ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्या क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेक्शन 7 को, जो कि हमारा बात करता है टेरिटोरियल डिविजन्स। ठीक है, अब ये जो टेरिटोरियल डिविजन्स होते हैं ये बेसिकली क्या बोलता है, आइए जानते हैं सेक्शन 7 में। एवरी स्टेट शाल बी अ सेशंस डिविजन। ठीक है, हर एक स्टेट में एक सेशंस डिविजन होना चाहिए और शाल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिविजन्स, या फिर सेशंस डिविजन होना चाहिए या फिर सेशंस डिविजन्स, मतलब एक या फिर एक से ज्यादा होने चाहिए हर एक स्टेट में। And every sessions division shall, for the purposes of this code, be a district or consist of district. और हर एक sessions division में क्या होना चाहिए, district होना चाहिए या फिर districts होने चाहिए। ठीक, तो ये हमारा subsection 1 जो है वो ये बताता है। Provided, यहाँ पे लेकिन proviso दिया गया है। Proviso क्या बताता है, that every metropolitan magistrate, provided that every metropolitan area shall For the said purposes, be a separate sessions division and district. यहाँ पे क्या बात करें, स्टेट के बारे में बात करें। सबसेक्शन वन में क्या बात करें, स्टेट के बारे में बात करें कि हर एक स्टेट में सेशन डिवीजन होना चाहिए या फिर सेशन डिवीजन होने चाहिए, और वहीं पे हर एक सेशन डिवीजन में क्या होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट भी होने चाहिए। ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट मतलब और भी डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेट के बारे में बात कर रहा है आपका सबसेक्शन 1। वहीं पे लेकिन प्रोविजन में दिया गया है कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसमें एक अलग से सेशंस डिवीजन होना चाहिए एंड डिस्ट्रिक्ट भी अलग से होना चाहिए। ठीक है, ये बात करें आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया में। ठीक है, अगर किसी भी स्टेट में मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसके लिए अलग सेशंस डिवीजन होगा और अलग डिस्ट्रिक्ट भी होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सब सेक्शन 2 क्या बात करती है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगी, ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। क्या कर सकती है, क्या पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कंसल्ट करने के बाद, किसके बाद, हाई कोर्ट से। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी और वो ऑल्टर कर सकती है क्या, लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, लिमिट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो ये टेरिटोरियल लिमिट्स की बात कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर सकती है, किसी भी सब डिविजन्स, किसी भी आपके इसके सब डिविजन्स को क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है एंड डिस्ट्रिक्ट्स को भी क्या कर सकती है, वो ऑल्टर कर सकती है। ठीक, तब सेक्शन 3 क्या बोलता है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, अगेन वो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ, डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। वो डिवाइड कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में एंड मे ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स, और क्या कर सकता है, वो ऑल्टर भी कर सकता है नंबर ऑफ सच डिविजन्स। ठीक है, उनके लिमिट को मतलब टेरिटोरियल लिमिट को भी वो क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स को भी वो ऑल्टर कर सकता है। क्लियर हो गया। सबसेक्शन जो 4 है वो बात करता है द सेशंस डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स एग्जिस्टिंग इन द स्टेट। किन किन के बारे में बात करें, पहला सेशंस डिविजन्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरा क्या बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तीसरा क्या हो रहा है, सब डिविजन्स के बारे में बात कर रहा है एग्जिस्टिंग इन स्टेट। अगर ये तीनों किसी भी स्टेट में अगर है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जब ये कोड बना था तब अगर ये थे, शाल बी डीम्ड टू हैव बीन
formed under this section, तो वो इसी section के अंदर form होंगे, ठीक, ये clear हो गया। तो section 7 बात करता है territorial divisions की, ठीक है, कि कैसे जो territorial division किए जाएंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे, ये state government with consultation of high court, ये क्या कर सकते हैं, alter कर सकते हैं limits of that, मतलब ये आपके sections divisions को, या फिर क्या कर सकते हैं वो districts को भी alter कर सकते हैं और sub divisions भी उसका कर सकते हैं, clear हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, section 8 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि deal करता है हमारे metropolitan area से, ठीक है। सब सेक्शन 1 जो बोलता है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा, डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन में दिया रहेगा, एनी एरिया इन द स्टेट कॉम्प्राइजिंग अ सिटी और टाउन, अगर कोई भी एरिया, ठीक है, स्टेट का अगर वो कोई भी मान लीजिए सिटी है या फिर टाउन है जिसकी की पॉपुलेशन एक्सीड करती है 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन एक्सीड्स 1 मिलियन शाल बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड। तो इस कोड के अंदर, ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई भी सिटी है या टाउन है जिसका की पॉपुलेशन एक्सीड करता है 1 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, जो कि हमारा सबसेक्शन 1 बताता है। सबसेक्शन 2 क्या बताता है, From the commencement of this code, ठीक है, जैसे ही ये कोड कमेंस हुआ था, बना था, each of the presidency towns, जो पहले presidency towns थे, like Bombay, Calcutta and Madras, and the city of Ahmedabad as well, ठीक है, कौन कौन सा, पहला है हमारा बॉम्बे, ये सब प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, करेक्ट, क्योंकि ये जो कोड है 1973 का है ना, और दूसरा क्या है कैलकटा, एंड तीसरा क्या है मद्रास अलोंग विथ आपका अहमदाबाद, ठीक है। अब ये जो आपके जो प्रेसिडेंसी टाउन से जब ये कमेंस हुआ था ये कोड, ठीक है, शाल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सबसेक्शन वन के अंदर टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, इनको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1 मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड रिड्यूस और ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन दे सकता है, नोटिफिकेशन देने के बाद वहां पे वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, और क्या, ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन और रिड्यूस कर सकता है लिमिट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज के, ठीक है, बट रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट बी सो दैट मेड सो एज टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया टू लेस देन 1 मिलियन। लेकिन वो पॉपुलेशन जो उसकी है उस एरिया की, उसको वो नहीं कर सकता ऑल्टर या फिर रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसेक्शन जो 4 है वो बात करता है, आफ्टर एन एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर मान लीजिए डिक्लेयर हो गया, द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स, और उसके बाद उसकी जो पॉपुलेशन है मान लीजिए किसी भी रीजन से फॉल कर जाती है बिलो 1 मिलियन, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई भी सिटी या टाउन है तो उसकी पॉपुलेशन अगर एक्सीड करती है 1 मिलियन से तो ही वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की अगर पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से कम हो जाती है, तो सच एरिया शल ऑन एंड फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ सीजेस टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा। बट नॉट बी स्टैंडिंग सच सीजर, अब यहाँ पे ऑब्स्टेंटिव क्लॉज आ गया, ठीक है, जो कि सुपरसीड करेगा, बट नॉट बी स्टैंडिंग सच सीजर एनी इंक्वायरी ट्रायल और अपील पेंडिंग इमिडिएटली बिफोर सच सीजर बिफोर एनी कोर्ट। अगर कोई भी इंक्वायरी क्या है, अगर कोई भी इंक्वायरी, ठीक है, या फिर जो ट्रायल है या फिर अगर अपील जो है, ठीक है, अगर वो पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के सामने या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, तो वो क्या होगा, शाल कंटिन्यू टू बी डेल्ट विथ अंडर दिस कोड, तो इस कोड के अंदर वो कंटिन्यू ही रहेगा,
ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया और अब वो नहीं है सिटी या फिर टाउन, तो इसके जो भी ट्रायल या इंक्वायरी जो भी, अगर मान लीजिए कोई भी अगर कुछ हुआ होगा क्राइम वगैरह, ठीक है, तो वहां पे अगर कुछ अपील उपील है पेंडिंग वगैरह है, तो वो फिर वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सारी जो है वो क्या होगी, इस कोर्ट के अंदर डील की जाएगी एज इफ सीजर हैड नॉट टेकन प्लेस। ठीक है, इसको डील करते वक्त ये देखा जाएगा कि जैसे ये सीजर हुआ ही नहीं था, मतलब ये जो मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो क्या है, उसकी पॉपुलेशन जैसे कि 1 मिलियन से कम हुई ही नहीं थी, उसको ऐसे देखते हुए ट्रायल इंक्वायरी और जो भी अपील पेंडिंग है उसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये सबसेक्शन 4 कहता है, क्लियर। सबसेक्शन 5 जो है, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस और ऑल्टर्स अंडर सबसेक्शन 3, ठीक है, द लिमिट्स ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, सच रिडक्शन और ऑल्टरेशन शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी ट्रायल और अपील पेंडिंग इमिडिएटली बिफोर सच रिडक्शन और ऑल्टरेशन बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट। सेम बात कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जब है जो है वो रिड्यूस करती है और ऑल्टर करती है अंडर सबसेक्शन 3, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की, लिमिट्स को, एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट को, तो कोई भी वो जो रिडक्शन होगा या ऑल्टरेशन होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा किसको, इंक्वायरी ट्रायल या फिर कोई भी अपील अगर पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के सामने, ठीक है, या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने। एनी सच इंक्वायरी ट्रायल और अपील शैल कंटिन्यू टू बी डेल्ट विद अंडर दिस कोर्ट एज इफ सच रिडक्शन और ऑल्टरेशन हैज नॉट टेकन प्लेस। जैसे कि ये रिडक्शन और ऑल्टरेशन हुआ ही नहीं है, उस इंक्वायरी ट्रायल और अपील जो पेंडिंग है उसको उस तरह डील किया जाएगा जैसे कि वो अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये सेक्शन 6 था, ये सेक्शन 7 और ये सेक्शन 8 जो था, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल जो हमारा कोड्स है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो बात करता है उन उनमें ये जो सेक्शन है आपको देखने को मिलेंगे, और आगे इसमें सेक्शन 25A तक हमें पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।